प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए कई मायनों में खास है। कुछ जानकारों के मुताबिक अमेरिका भारत को उसके पारंपरिक सहयोगी या कहें दोस्त रूस से दूर करना चाहता है, इसलिए अमेरिका भारत से कई तरह के रणनीतिक और सामरिक साझेदारियां कर रहा है। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा भी दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सामरिक साझेदारी के रूप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ मोदी अमेरिका में है तो दूसरी ओर दोस्त रूस ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि रूस भारत को मांग के हिसाब से तेल देता रहेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि दोनों देश ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं और व्यापार में असंतुलन को भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव से रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को लेकर सवाल किया गया। सवाल ये था कि भारत में रूसी तेल जिस मात्रा में आ रहा है, क्या हमेशा ये जारी रहेगा? इसके जवाब में एलिपोव ने कहा, भारत में जब तक मांग रहेगी आपूर्ति भी जारी रहेगी। तेल आपूर्ति की वजह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में रिकॉर्ड 44.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा एक तिहाई है। रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सबसे बड़ा हिस्सेदार बन गया है। हम भारत में लंबी अवधि की ऊर्जा आपूर्ति पर काम कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। हमें भारत के साथ अपने व्यापार का विस्तार करना है। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के पहले भारत रूस से अपनी तेल जरूरतों का सिर्फ 2% तेल आयात करता था। भारत का 2021-22 में रूस से तेल आयात सिर्फ 2% था, जो अब बढ़कर 20% तक पहुंच चुका है। इस मामले में रूस भारत के पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ता देश सऊदी अरब और इराक को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात कर रहा है। इस वजह से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़कर 44 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा तेल आयात का है। हालांकि भारत का रूस में निर्यात काफी कम है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव से रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि अरबों भारतीय रुपए पड़े हैं और रूस इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों देश वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं। एलिपोव ने कहा कि रूस पश्चिम की वित्तीय व्यवस्था से अलग एक सिस्टम भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर बनाएगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।